सोची आज हम लोग बनाने वाले हैं मजे की ब्राउनीज। आई होप कि अच्छी बने, आई डोंट नो कैसी होगी। सो इसमें एक अंडा जाएगा, बटर, ये बटर जाएगा, अंडा एंड थोड़ा सा पानी। सो लेट्स सी, मैंने ये सारा नॉर्वेजियन में ही लिखा है पीछे, तो मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ा है। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड अंदर माइक्रोवेव को मैंने रख दिया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये ट्रे जो है, दिस इज़ ए ग्लास कंटेनर फूड वाला, तो मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि वी कैन यूज़ इट फॉर बेकिंग, आई डोंट नो बट आई कैन ट्राई। एंड ये वाला जो ट्रे है, अब मैंने पानी भिगो दिया है, दिस इज़ लाइक अ बड़ा साइज़ है, तो या ब्राउनी आई थिंक छोटे छोटे ही बनेगा अगर इसमें डालूंगी तो। लेट्स ट्राई विद दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग हमारी मज़े की ब्राउनी। सो इसमें हमने एक अंडा डाल दिया एंड उसको अच्छे से मिक्स करके, एंड देन थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि वो थोड़ा सही से बीट हो जाए तो उसको बस ऐसे घुमाते रहना चाहिए। एंड आई थिंक मैंने बटर भी डाल दिया था इसमें, पता नहीं दिखाया वीडियो में, नहीं दिखाया। सो बटर भी डालना होता है इसमें, और इसको मज़े से मिक्स कर दिया हम लोगों ने। एंड अभी हम लोग बटर पेपर जो है वो इसमें रखेंगे, बहुत बड़ा हो गया था तो मुझे फिर से काटना पड़ा, तो इसको थोड़ा सा कटिंग करके छोटा करके एंड नीचे से फिर बटर लगाया। मैंने कहा कि चपके नहीं, बटर पेपर भी मतलब रख सकते, तो दूसरा बचा हुआ बटर जो है मैंने फिर उसमें डाल। सो ये हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही इजी था बनाना, बट इसका सबसे हार्ड वर्क एंड प्रॉब्लम ये होता है, बेकिंग इश्यूज आते हैं टेम्परेचर पे। तो ये हमने बेकिंग पेपर रख दिया है एंड उसमें थोड़ा बटर लगा लिया। आई डोंट नो बटर लगाते नहीं लगाते, बट मैंने इतनी कोई बेकिंग की नहीं है। सो अभी हम लोग ये सारा इसके अंदर डालेंगे। ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। सो अभी हम पूरा इसको अच्छे से साफ़ करके निकालेंगे। एंड या बहुत इजीली निकल गया था, बहुत ही सॉफ्ट था, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मेरे पास जो चॉकलेट्स थी उसके, ये हेज़लनट वाली चॉकलेट थी, तो उसके चंक्स डाल दिए एंड इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आया था। कुछ कुछ पीसेस में हेज़लनट का टेस्ट आ रहा था, तो बहुत ही मज़े का था। चॉकलेट भी डाल दिया है, आई डोंट नो कैसा होगा हेज़लनट वाला। सो लेट्स सी, लूसी इज सो एक्साइटेड। चलो पप्पी, हां ब्राउनी खाई जैसी है शा। हाँ, इसको चॉकलेट का इतना अच्छा स्मेल आया है तो पागल हो गई है। इसी के छा कपे छा कपे भूख लगे भूख लगी है भूख। सो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कितना टेम्परेचर रखना है। आई डोंट नो, मैंने प्रीहीट तो कर लिया है। सो बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी क्या होता है इसे करके। सो टेम्परेचर मैंने वन फिर भी चेक करती हूँ इंटरनेट पे। सो हम इसको 25 पे रखते हैं। सो हमारे लिए पड़ोस से अफ्तारी है ये, आई एम सो एक्साइटेड। ये है छोला चाट, अफ्तारी में खा के फिर बताएंगे। एंड इसके अंदर है हमारे पास मज़े की फ्रूट चाट। वाओ, खोलते हैं इसको भी। सो ये मज़े की छोला चाट एंड फ्रूट चाट। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। एंड ये हमारी ब्राउनी। सो ये हाल है हमारे ब्राउनी का, आई विल काट के देखना पड़ेगा। सो ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई हो चुका है एंड या मैंने तो पता नहीं क्या किया, इतने चम्मच मैंने ख़राब किए चेक कर करके। देन मुझे याद आया कि आई कैन यूज़ द टूथ पिक। सो इसको ऐसे लगाते हैं एंड आई डोंट नो बना नहीं बना। सो बट बहुत टाइम रखा है मैंने इसको। सो मुझे लगता है ब्राउनीज ऐसे ही बनती हैं। सो या नीचे से आई थिंक बन तो गया, इट्स ऐसे ही होता है। ये हमारी ब्राउनी। सो ये हम खाएंगे एंड ये रखेंगे आफ्टर इफ्तारी। सो आज तो माशाल्लाह से हमारे घर बहुत ही मज़े की इफ्तारी होने वाली है। वाओ वाओ लिसी।
तो आज हमने बाहर से बिरयानी ऑर्डर की है। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी है, दे मेक इट होम, सो लेट्स सी। सो दिस इज देयर पैकिंग। इन लोगों ने नया ही यहाँ पे कोई काम स्टार्ट किया है। ओके सो ये कौन सी किस्म की बिरयानी है? ओके सो इस चिकन टिक्का कबाब्स। ओह ओके, ये कबाब ही मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये कबाब है एंड दिस बिरयानी एंड दिस इज़ सॉस। सो हम लोग ऑफकोर्स इफ्तारी में खाएंगे, अभी तो रोज़ा है मेरा, सो फिर बताएंगे कि कैसा है, बट लुक्स नाइस। सो हमारे पास बहुत सारे अचार हैं, मैं बहुत सारे अचार कर रही थी एंड मैं ये यूज़ करना ही भूल गई, अभी तक बंद है। आई थॉट कि मैं यूज़ करूँगी इसको, सो मैं भूल गई मेरे पास है। तो अभी मैंने ये शीज़ान का थोड़ा अचार निकाला है, सो ये ट्राई करेंगे कैसा है। एंड बिरयानी बहुत ज़्यादा थी, सो आधी बिरयानी कल खाएंगे हम लोग एंड आधी जो है हमारी गर्म हो रही है। सो दिस इज़ हाउ द बिरयानी। ये जैसे हम लोग ना वाइट कलर का वैसे पुलाव बनाते हैं, बट लड़की शी वॉज़ फ्रॉम लाहौर, तो आई डोंट नो, शायद वो ऐसे बिरयानी बनाते हैं। एंड दिस इज़ अ कबाब और या एंड ड्रिंक एंड ड्रामा देखेंगे हम लोग, बट लेट मी जस्ट ट्राई के कैसी है। इट्स नाइस बट थोड़ी फीकी है। This bread is very different, and this is a chicken kebab. Let me try. This is nice, but I was expecting biryani to be more nice. So, मैंने पूरी बिरयानी खा ली है, and what happened? सो मैंने पूरी बिरयानी ख़त्म कर ली एंड लूसी मेरे पीछे पड़ी है कब से। सो रिव्यू ये है कि इट वाज सो डिलीशियस, मतलब और कबाब बहुत मज़े का था, पर फीका नहीं था। मुझे स्टार्ट में ऐसा लग रहा था क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप की बिरयानी खाते हैं, तो या बट इट वाज सो नाइस एंड डिलीशियस, आई लाइक इट। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज जो है चांद रात है, चांद रात नहीं है, मतलब ईद से पहले वाला एक दिन है, हमारा 30th रोज़ा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मैं नींद से उठी एंड या पूरी घर की सफाइयाँ करनी है क्योंकि कल ईद है, और ईद से पहले ऑफ कोर्स घर की सफाइयाँ शफाइयाँ करनी होती है। सो हाय लूसी, सो लूसी की भी आज सफाई करनी है, लूसी को शॉवर करवाना है। एंड इससे पहले हम लोग अभी ये शीशे वगैरह है वो भी सारे साफ़ करने हैं, एंड ज़मीन तो साफ़ कर दी है हम लोगों ने। और या अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो ये पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, ये भी साफ़ कर दिया है एंड ये सारा भी साफ़ कर दिया और ये पूरा भी साफ़ कर दिया। एंड नाउ फ्रिज की सफाई हो रही है, बहुत सारे सामान है तो गलत सामान निकालने पड़ेंगे। राबिया बैठी है ऑनलाइन, और या ये पूरा भी मैंने साफ़ कर दिया है। जो लिक्विड्स मैं यूज़ कर रही हूँ साफ़ करने के लिए, एक ये है, ये किचन की सफाई वगैरह करता है, बहुत अच्छे लिक्विड्स हैं। और दूसरा हमारे पास नहीं, वो बाथरूम वाला था, सॉरी, ये किचन, ये वो टाइल्स वगैरह साफ़ करता है, ये किचन की सफाई करता है। एंड ये जो है वो मिरर्स वगैरह साफ़ करता है, तो ये लिक्विड्स बहुत ही अच्छे हैं और या बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो यहाँ पर तो मैंने लिक्विड लगाया है, लेकिन सी कितना साफ़ हो गया है, अभी इसको थोड़ा और भी करना है। सो अभी तो हम वेट टिश्यू में ये लिक्विड लगा के कर रही हूँ, बट फ्रिज। सो हमारा पूरा घर साफ हो चुका है, शाइनिंग, एंड बाथरूम भी पूरा साफ कर दिया है मैंने। सो अभी इट्स टाइम कि लूसी को साफ करेंगी हम लोग। मैं अभी वीडियो निकाल के नहीं दिखा सकती, सो कभी और टाइम हम दिखाएंगे कि लूसी को हम कैसे शॉवर करते हैं, अभी नहीं क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे काम है। सो लूसी, सो लूसी ने शॉवर कर लिया है, ये कभी शॉवर के बाद हम लोग लूसी को उसका ट्रीट देते हैं। गुड गर्ल,
अभी हम उसको हेयर ड्रायर करेंगे, फिर उसके बाल साफ करेंगे, नहीं ब्रश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, बाद में कभी दिखाऊंगी। सो लूसी की सफाई शफाई और सब कुछ हो चुका है, नाउ इट्स माय टाइम कि मैं शॉवर करने जाऊँ। लूसी शॉवर कैसी है? उसको ट्रीट चाहिए। फिनिश ट्रीट फिनिश लूसी, बाय बाय ट्रीट फिनिश है। सो मैंने भी शॉवर कर लिया है और इस टाइम कि हम लोग अभी एक सिर्फ एक घंटा बचा है रोजे खुलने में। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। उसके बाद चांद मुबारक देंगे सबको। इस बार रमज़ान बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। सो इट्स टाइम के थोड़ा टाइम बचा है, आई थिंक एक घंटा बचा है बाकी रोज़े खुलने में। तो आई एम थिंकिंग के थोड़ा बिरयानी, या मैंने बताया नहीं, सो ईद के लिए हम लोग बिरयानी बनाएंगे एंड दूसरा मैंने सोचा है कि कस्टर्ड एंड जेली बनाएंगे मीठे में। सो लेट्स सी, और बिरयानी के लिए तैयारियाँ हो रही। सो ये मैं प्याज टमाटर एंड आलू लेकर आ गई हूँ एंड चिकन मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। सो या लेट्स स्टार्ट। इट्स टाइम के मज़े की बिरयानी हम लोग बनाए। बिरयानी ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उस पर रखा था, बट या कभी बिरयानी मेरी बहुत टेस्टी बनती है एंड कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो बिरयानी मैंने बनाई थी बहुत ही मज़े की बनी थी। ऑफकोर्स मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो ये जो या पहले हम लोग प्याज काटेंगे एंड प्याज मैंने नोट किया कि बिरयानी में आप दो ही मतलब काफ़ी प्याज डालने होते हैं तभी टेस्ट उसका और भी अच्छा आता है। तो मैंने दो बड़े बड़े प्याज जो है वो दोनों डाल के ही फ्राई किए थे और इनमें से आधे थोड़े प्याज मैंने निकाल लिए थे ऊपर गार्निश करने के लिए। एंड देन हम लोग अपने आलू टमाटर, इसके मैं मोस्टली इसके छिलके नहीं उतारती, वो डिपेंड करता है अगर लेयर्स बहुत ही ख़राब है देन आप उतार दो। और गार्लिक एंड जिंजर हम लोग अपना काटेंगे। जब तक हमारी प्याज हो जाए एंड आलू काट लिए हम लोगों ने और टमाटर, ये अदरक का तो वो हो चुका है, अभी क्या करूँ इसका, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पानी में डालना पड़ेगा, आई डोंट नो। सो थोड़े प्याज निकाल के रखी है एंड थोड़े इसमें डालेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है थोड़ा इसको बनाकर। फिर हम इसमें हल्दी नमक एंड लाल मिर्च का मसाला डालेंगे और चिकन हमने निकाल के रख लिया है। सो आई नीड थोड़ा और चिकन में भी, सो इसलिए मैंने और भी थोड़ा निकाल के रख दिया है। सो हमने इसमें एक पैकेट डाला है सिंधी बिरयानी मसाले का एंड थोड़े और मसाले डाले। सो ये हमारा, अभी हम इसमें अपना टमाटर डालेंगे। तो इस पर हमारा चिकन चला गया, इसको थोड़ा सा भूनेंगे फिर पानी डाल के रख देंगे। सो इसको हम 15 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। ये रहा हमारा ढक्कन। सो मेरा थोड़ा चिकन बच गया था एंड दिस इज़ माय न्यू रेसिपी, अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये ग्रीन चटनी है कोरिंडर वाली, इसमें मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला, नॉर्मली डालते हैं, एंड चिकन टिक्का मसाला, लेमन डाला और हरा धनिया नहीं डाला, एंड देन आई पुट दिस चटनी। सो कल देखेंगे हम लोग कि ये चिकन टिक्का कैसे बनता है। सो इसको हम फ्रिज में रखेंगे एंड या देखेंगे कैसा बना है नई रेसिपी। मेहंदी के अंदर ये है ना उपकरण। सो ये हमें मजे की बिरयानी बन चुकी है। हमेशा मेरे चावल थोड़े चपक चपक वाली हो जाती है बट इट्स सो डिलीशियस, मैंने टेस्ट किया अभी। अभी हम चाय पी रहे हैं, घर बात कर रहे हैं। हाय, इसको बिरयानी चाहिए, शी इज सो क्रेजी फॉर बिरयानी। सो रात के 1:30 हुए हैं, हमारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो अभी हम लोग जेली बनाएंगे बहुत ही मज़े की एंड कस्टर्ड बनाएंगे। ये आई होप कि अच्छा बने,
पहले पानी को थोड़ा बॉईल करेंगे और इसमें जेली का पैकेट डालेंगे। लेट्स सी। सो हमारा पानी बॉईल हो चुका है और जेली दिखने में ऐसी, आई थिंक इसमें मीठा ऑलरेडी होता है। सो लेट्स ओके। हाँ चम्मच ही नहीं है, किससे उखड़े, बंद हो गया। ये हमने निकाल के रख दिया है, इसको 40 मिनट्स तक रखेंगे, ठंडा हो जाएगा, देन जेली बन जाएगी हमारी। नाउ लेट्स मेक दिस वन। सो कस्टर्ड के लिए हम लोग दूध बॉईल करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम कस्टर्ड बना रही हूँ, तो पहले तो मैं पूरा ही पैकेट यूज़ करने वाली थी, फिर मेरी अम्मी से पूछा एंड अम्मी सेड यू पूरा पैकेट यूज़ नहीं करते। सो हम लोग इतना निकाल रहे हैं एंड इसको पहले बॉयल होना देते। आई डोंट नो, मेरे दूध कुछ ज़्यादा निकाला है, पता नहीं क्या। सो इसमें हमने पानी डाला है एंड चीनी 3 चम्मच डाल के इसका लिक्विड बना दिया है। सो अभी ये थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालेंगे जब तक वेट करते हैं ये बॉयल हो जाए। सो ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। मैंने इतनी चीनी डाली 8 चम्मच तो डाले होंगे, मीठा ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या है चीनी में यहाँ की। सो ये हमारा पहले मैंने कस्टर्ड डाला दूध में, आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, इतना वो गाढ़ा जल्दी से ही हो गया। सो आई वॉज सो सरप्राइज, क्योंकि वो जो लिक्विड था इस पर सी इट, वो पानी की तरह है। तो या फर्स्ट टाइम मेकिंग कस्टर्ड, सो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। एंड लूसी के कस्टर्ड बन गया, अभी तो हम खाएंगे। हाँ अभी नहीं खाएंगे लूसी, कल खाएंगे हम लोग। लूसी पागल हो चुकी है। सो या ये जो हमने ब्राउनी बनाई थी, सो अभी इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे। हाँ इसको कहाँ रखें, जीली जीली थोड़े टाइम के लिए, अभी इसको यहाँ रखते हैं। यू सी बी केयरफुल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। वाओ सो ये हमारा कस्टर्ड एंड नीचे ब्राउनी है, नजर आई थिंक बहुत डिलीशियस होगा। इसको हम थोड़ा गार्निश करेंगे एंड या कल खाएंगे हम जेली के साथ लूसी। ओके सो अभी हमारा किचन बहुत ही ख़राब हो चुका है। हाँ आई नीड टू क्लीन एवरीथिंग। हाय लूसी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक सबको, कैसे हो आप सब लोग, ईद मुबारक। सो या आज ईद है और ईद पे मैंने ये ड्रेस पहनी है, फ्लोरल टाइप का ड्रेस। और आजकल आज मज़े की बात ये है कि यहाँ का जो वेदर है वो भी चेंज हो गया है, खिड़कियाँ खुली हैं एंड कोई सर्दी नहीं है, तो स्वेटर वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। एंड हैप्पी ईद मुबारक सबको। आप सबकी ईद कैसे जा रही है, सो मैसेज कर नहीं कमेंट से बताएं। और जो लोग ईद नहीं मना पा रहे, पीपल फ्रॉम फलस्तीन एंड कोरोना वायरस की वजह से जिनके घर में प्रॉब्लम्स है ये वो, तो उन सब के अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। और जो लोग ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं, सब अपने घर में और घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करो एंड अपना टाइम मज़े से इंजॉय करो। और जिन लोगों ने रमज़ान में रोज़े रखे हैं और पूरे रोज़े रखे कि एक भी रोज़ा रखा है, सो उन सबको रोज़े की बहुत बहुत सारी मुबारकें हो। रमज़ान भी चला गया एंड हमारे पास लूसी भी है। आज लूसी ने छोटा सा केचल लगाया हुआ है, मम्मा की छोटा सा मेथी क्यों है। हाँ
मैं चिचान। सो आज का हमारा ये प्रोग्राम था मेरे घर, तो कल से मेरी बिरयानी और ये वो सब चीज़ें बना रही थी। तो हमारे घर गेस्ट आए हुए थे एंड गेस्ट अभी अभी वापस गए हैं, तो हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बिरयानी खाई, बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि शुक्र है अच्छा बन गया। एंड कस्टर्ड भी बहुत ही मज़े का बना था। और दूसरा, हमारे पड़ोस से हमारे पास सवैयाँ आई थी, ये भी बहुत मज़े की थी। एंड या कुछ और गिफ्ट भी आया था। तो अभी बर्तन पड़े हैं, बर्तन मुझे धोने हैं। ये हम लोगों ने खाना खा के रखा है और अभी हम लोग बाहर जाएंगे वॉक के लिए, क्योंकि आज का वेदर बहुत अच्छा है। बट ये कपड़े पहन के मैं नहीं जा सकती, मेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो अभी हम बाहर जाएंगे और हम बीच में ना मूवी देख रहे थे अंदाज़ अपना अपना, बहुत मज़ा, क्योंकि हम जब छोटे होते थे बचपन में हमारे घर में शीर खुरमा खा के खाना खा के तो हम सब लाउंज में बैठ जाते थे और पुरानी कोई भी मूवी टीवी में चलती थी और हम सब साथ बैठ के देखते थे, तो दिल कर रहा था वैसे ही देखे। और कस्टर्ड खा के भी हमारे फ्रेंड्स को लगा कि बचपन की याद आ गई, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आप ऐसे ईद सेलिब्रेट करो बहुत ही वो होता है। ये हमारे पास लीची है, इसको भी हम लोग बाहर लेकर जाएंगे आज, है ना ऋषि? इससे भी बाहर हिलता सी, इससे भी बाहर हिलता सी। सो या सो अभी हम लोग बाहर जाएंगे और फिर पता नहीं थोड़ा वॉक करेंगे बाहर, या आप यहाँ पे भी थोड़ा ऑफ है, छुट्टी है, कल भी यहाँ पे ऑफ है, कल पता नहीं क्या करेंगे ईद में। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हुआ, मेरे अभी घर भी बात नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी, सुबह बहुत लेट सोई थी। इन्हीं मैंने छोटी सी चूड़ियाँ भी पहनी है, मेहंदी नहीं लगाई मैंने क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं था, मैंने मेहंदी ली नहीं, इतनी पढ़ाई थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था किसी भी चीज़ की तैयारी करने का। एंड ये जो नेकलेस है ये भी मैचिंग पे हो गया, ये भी मैंने साउथ कोरिया से लिया था। एंड ये इतना क्यूट सा इयररिंग्स भी, या सब कोरिया की चीज़ें। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड अगर मैं और कुछ दिखा सकती हूँ तो आपको लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय ईद विथ योर फैमिली। और या यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, हैप्पी ईद मुबारक। सो हम अपना एड्रेस चेंज करके आए हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ ड्रेस टू, और ये शर्ट बहुत ही मज़े की है, बट पता है क्या, ऐसी जीन ढीला हो गया है मेरा। आई लॉस्ट द वेट रमज़ान की वजह से शायद, सो सैड, सो आई नीड टू गेन सम वेट, जीन्स ढीला हो गया मेरा। सो या दिस इज द ड्रेस। ये शर्ट मैंने बहुत पहले लेकर रखी थी समर के लिए और अभी हमें काम आ गई। शाओ हम लूसी को भी बाहर लेकर जाएंगे अपनी, शाओ इसको आज बिरयानी नहीं खिलाई हमने, नाराज़ है मुझसे। उसे बिरयानी कौन खा दी, हाँ उसे मामा बिरयानी कौन खा रही। शाओ सी यू बाहर। तुमने मुझे डांटा क्यों मम्मी? हाय। वहां पे वॉशरूम में नहीं, वॉशरूम में भी। वाओ दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। हेलो हेलो हेलो, ये बालों को क्या हो गया? इधर 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 हम्म। हमारा नया झूला है, मेरा मेरे और लूसी के लिए बना है। बस बस। वाओ गाइस, अचानक से इतनी तेज बारिश हो रही है, हम लोग अभी बाहर ही थे, बाहर कुछ भी नहीं था, हमारे पास पूरे गीले हो जाते, टाइम पे घर आए। वाओ अचानक से बारिश हुई है पूरा।
सो हम लोग घर आ चुके हैं एंड आई होप यू इंजॉयड एंड लाइक दिस व्लॉग। और आज का मौसम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, मज़े का है, तो हमें बहुत मज़ा आया। ईद का फर्स्ट दिन गुजारा, हम पूरा बाहर घूम फिर के आए पूरा। मैं इतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट या हम लोगों ने घूमा फिरा एंड लूसी थक गई थी और बहुत मज़ा आया, इंजॉयड अ लॉट। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।